हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं इरशाद और आप देख रहे हैं सुनगर चैनल। दोस्तों आज हमारे साथ मौजूद हैं सिमल शेख। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूं खैरियत से होंगे, जहां होंगे खुश होंगे और फिर से हम नई वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। और जबरदस्त वीडियो हमारे दोस्त हैं, बहुत अच्छे, और अक्सर वीडियो में जो है हमारे पास कमेंट्स भेजते हैं और उनका एक कमेंट्स है कि एक वीडियो है बहुत जबरदस्त, यानी कमेंट्स वाली वीडियो। हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त ने कमेंट किया है, और चलते हैं पहले वीडियो देखते हैं फिर उसके बाद रिएक्शन देंगे। तो चले वीडियो की जाने, दोस्तों चलते हैं वीडियो की जाने। वीडियो का टाइटल है न्यू स्काई वॉक इन हैदराबाद। तो देखते हैं इस वीडियो में क्या है।
तो आपने देखी कितनी जबरदस्त वीडियो। सबसे पहले तो मैं सिमल मैं वकार का जो है शुक्रिया अदा करूंगा कि काफी सारी हमें जो है सजेशन भेजते हैं और रिक्वेस्ट भेजते हैं कि आप इस वीडियो पे बनाना, इस पे तो ये भी हमारे लिए जो है वो ये लोग ऐसे करते हैं ना, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद कि भाई आपका जो है शुक्रिया कि आपने इतनी जबरदस्त वीडियो भेजी। इस वीडियो को देख के तो हमारे रोंगटे खड़े हो गए, इतना प्यारा हैदराबाद। हैदराबाद तो वैसे ही बहुत अच्छा है क्योंकि हैदराबाद नहीं, मैं तो जेलस हो रही हूँ। अच्छा हैदराबाद, अच्छा हैदराबाद की कौन कौन सी चीज की तारीफ करें? चार मीनार है और फिर जो है ना रामू जी फिल्म सिटी है। हम तो काफी सारी वीडियो कर चुके हैं, लेकिन ये भी एक अलग ही आपने एक अलग चीज निकाल के दिखाई कि भाई मेट्रो स्टेशन जो है बड़ी जबरदस्त। हमारे दोस्त हैं बहुत अच्छे हैं एबी भाई, उन्होंने कहा कि यार ये वकार भाई की जो वीडियो है उस पर जो है सजेस्ट किया आपने, बहुत बहुत शुक्रिया आपने सजेस्ट किया। इसी तरह सजेस्ट हमारी हर वीडियो पे किया करें ताकि हमें आप लोगों की कंट्रीज की चीजें पता चलती रहे कि क्या क्या चीजें हैं और हमें किस पे रिएक्शन करना है, तो हमें भी नॉलेज मिलता रहेगा और अच्छी अच्छी चीजें देखने को मिलेगी आप लोगों के तब। बिल्कुल अच्छा। एक और हमारे दोस्त हैं, उनका नाम है शोभान बाबू, तो वो भी हैदराबाद से बिलोंग करते हैं। तो हैदराबाद का जिक्र हुआ तो मुझे वो याद आ गए। और मेरे भी बहुत अच्छे दोस्त हैं एबी भाई के और समीर भाई के, तो अक्सर वो बेस्टर जो है एबी भाई की जो है उनसे लाइव जो है उनसे बातें होती है। तो आजकल ऐसा है कि वो समीर भाई भी एबी भाई भी जो है लाइव जो है जाते हैं, तो कुछ ऐसे दोस्त हैं जो आ जाते हैं जिनके पास टाइम होता है। तो वैसे इस इतनी मसरूफियत जिंदगी में इतना सा थोड़ा सा अगर टाइम दे देना बंदा तो बहुत बड़ी बात होती है। मेरे बहुत अच्छे उस्ताद हैं तो मैं उनसे सीखने जाता हूँ सिंगिंग के हवाले से। तो मैं एक दफ़ा उनके पास बैठा था तो अक्सर बेशतर उनका एक दोस्त आ जाता था, दोस्त के ऐसे मिलने के लिए आ जाता था, तो वो उनको फुल टाइम देते थे। हम पहले से बैठे थे, मैंने कहा सर ये कभी कभार आ जाता है और आप जो इसको फुल, कहता है यार इतनी मसरूफियत लाइफ में ये टाइम निकाल के आता है, इतना खर्चा करके आता है, तो मैं अगर इसको इज्जत भी नहीं दूँ, टाइम भी नहीं दूँ तो बेकार हो जाएगा। तो मुझे वो बात याद आ गई कि ये इतनी मसरूफियत लाइफ में कोई बंदा आपको टाइम देता है तो ये बहुत बड़ापन होता है उस बंदे का, क्योंकि आपको जो आपसे बात कर रहा है, आपको जो टाइम दे रहा है। तो मैं शोभान बाबू का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि वो टाइम देते हैं। और वकार साहब का भी करें, वो भी हमारी वीडियोस देखते हैं, हमें सजेस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल वकार से काफी हमारी वीडियो देखते हैं, बल्कि वकार जी हां। तो जो है ना उस हवाले से बात हो रही थी हैदराबाद मेट्रो स्टेशन, तो बहुत ही जबरदस्त स्टेशन है। हर व्यू से हर पॉइंट से जो है ना एग्जिट का भी उनका जो है रास्ता अलग से बनाया है, और इन्होंने का भी रास्ता अलग से बनाया कि अच्छा रात का व्यू था तो लाइटिंग का जो बड़ा अच्छा। मैं यही पूछने वाली थी कि आपको सबसे ज्यादा अच्छी की चीज इसमें क्या लगी? लाइटिंग बड़ी अच्छी थी, लाइटिंग अच्छी थी। और मैं ये देख रहा हूँ कि काफी अरसे से मैं वीडियो कर रहा हूँ, तो जो भी चीजें हम बनी हुई देख रहे हैं कि मेट्रो स्टेशन या रोड जो बना रहे हैं, तो पायदारी को जो है इन्होंने जो ज्यादा फोकस किया कि एक दफा बना दो, एक ही दफा बना दो तो अच्छी चीज बना दो, अच्छी चीज, ताकि दोबारा बार बार जो है ना हम उसको वो नहीं, ताकि हर साल उसमें इन्वेस्ट करने की जरूरत ना पड़े, चाइना वाली ना, आज बना दी तो दो दिन बाद जो है दोबारा से लेके आ रहे हैं कि उसको रीसेट करो, नहीं ये चीज है। और सफाई सुथराई के बारे में बहुत करनी पड़ेगी कि सफाई सुथराई और माहौल देखकर ऐसा लग रहा था कि हम शायद कहीं बाहर घूम रहे हैं, किसी बाहर कंट्री को देख रहे हैं। बिल्कुल शो भी करें कि भाई आप इन लोगों को ये जरूरत नहीं है कि ये लोग कहीं बाहर जाएं, बिल्कुल यहाँ पर इतनी जगह है घूमने की। और वो लोग तो खुद तरसते हैं कि जैसे हम लोग भी जाते हैं कि हम भी जाके वहाँ देखें यार, हम भी घूमें। तो काफी सारे कंट्रीज के लोग जो है चाहते हैं कि इंडिया को जो है घूमा जाए और वहाँ पर जो है ना आया जाए, तो वहाँ आना उनके लिए मुश्किल नहीं है, हमारे लिए तो मुश्किल है कि हम जो है नहीं जा सकते, लेकिन वहाँ दूसरी कंट्रीज के जो लोग हैं वो तो सिमल गोवा और पता नहीं कहाँ कहाँ जो है घूम रहे होते हैं, और वहाँ के जो क्रूज हैं जिसमें जहाज में जो है ना सफर, वो बड़ा अच्छा लगता है कि भाई जहाज में आप जो है दो दिन का, तीन दिन का, हफ्ते हफ्ते का जो है ना सफर है, तो आप हर चीज की उसमें जो है सहूलत में। तो इंडिया आने के लिए हर आदमी तरसता है और हर आदमी को दिल चाहता है कि भाई मैं वहाँ जाके देखूँ, लोगों से मिलूँ, वहाँ के खाने खाऊं, वहाँ का कल्चर देखूँ। तो हम तो वीडियो के हद तक ये देख रहे होते हैं, तो हमारे हमने काफी हद तक इंडिया को देख लिया वीडियो में, अब दिल चाहता है कि रियल अपनी आंखों से जाकर देखें। एबी भाई तो तरसते हैं, हमारे दोस्त हैं, कहते हैं कि यार चलेंगे, तो कभी कभार कभी ऐसा कोई मौका हुआ। मेरे ख्याल से पाकिस्तान से काफी लोग जा रहे हैं इंडिया। हाँ जाते हैं, जाते हैं अभी वहाँ से। अभी एक दोस्त आए भी थे समीर भाई के पास, आए थे, उनसे मुलाकात हुई और जो है वो यहाँ पे खाने पीना, खाना पीना किया, बड़ा बंसोड़ उनको दिखाया। बंसोड़ एक जो है बहुत अच्छी बड़ी फेमस फूड स्ट्रीट है, पूरी रात खुली होती है और बड़ा अच्छा जो है अच्छे अच्छे खाने, और बड़ा इंजॉय करता है वहाँ जाके बंदा, उसको पता नहीं लगता कि टाइम कितना
इतना हो गया, सुबह होने में टाइम नहीं लगता, और जब रात जा रहा होते तो नहीं पता लगता क्या क्यों। और हमारे एबी भाई का तो इतना ताल्लुक आते हैं कि वहाँ किसी भी दुकान पे चढ़ जाते हैं तो वहाँ उनको पैसे देने की जरूरत नहीं होती, तो फिर ऑफ कॉस्ट जो है उनको जो खिलाया पिलाया जाता है। तो बात असल में हैदराबाद की हो रही थी, तो हैदराबाद में भी जो है खाने के हवाले से हैदराबाद भी बड़ा बिल्कुल बहुत फेमस है, वहाँ की फूड स्ट्रीट के हवाले से भी हम कोई वीडियो करेंगे, बिल्कुल आप सजेस्ट कीजिएगा वकास साहब हमें जरूर। बिल्कुल बिल्कुल, तो दोस्तों आपने देखी कितनी जबरदस्त ये वीडियो, हमने काफी सारी एक्स्ट्रा बातें भी की, और जहाँ अगर किसी वीडियो में हमारे एबी भाई का नाम नहीं आया तो हमें भी मजा नहीं आता। वैसे हम हर वीडियो में बहुत बोलते हैं क्योंकि हमें ना हम बोलते रहते चुप होने का टाइम ही नहीं मिलता। सजेशन आई है कि भाई आप जो है ना सीखें पहले ना यूट्यूब, तो मैं वाकई सीखा हुआ नहीं हूँ, हम तो बस बोलते चले जाते हैं आप लोग अगर बुरा नहीं। दरअसल हम जो है ना फन के लिए और जो है ना वीडियोस कर रहे होते हैं, तो हमें जो नॉलेज की जरूरत होती है कि हम नॉलेज इकट्ठी करें कि क्या क्या चीजें और दूसरे मुल्कों में हो रही है और क्या हमारे पास नहीं है, क्या उनके पास है, तो वो चीज हम देख रहे होते हैं, एक्सप्लोर कर रहे होते हैं वीडियोस को। तो इसलिए यूट्यूब जो है ना उसको वाकई उसको यूज करने के लिए समझना पड़ता है। हाँ। तो वो बहुत सारी अंदर की उनकी उनके जो मामला थे वो तो एक अलग है, लेकिन हमने वीडियोस टैग वगैरह ये वो जो चीजें वो वाकई हमने सीखी नहीं, बस हम आते हैं और वीडियो बना देते हैं। तो ये कोशिश करेंगे कुछ सीख के कुछ काम किए जाए। हाँ। अगर आपकी कोई सजेशन हो तो जरूर बताइए, बिल्कुल सजेस्ट जरूर कीजिएगा। हाँ। हमें, और अगर आपको कुछ पॉइंट्स पता हो आपको तो जरूर हमसे गाइड कीजिएगा, हमें गाइड कीजिएगा क्योंकि हमें गाइडलाइन की बहुत जरूरत है। तो इसी के साथ मुझे और डॉक्टर साहब को दे इजाजत, और हमें हमारे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जब आपकी ये लाइक कमेंट्स आते हैं या जो है हमारे व्यूअर्स जिस वीडियो पे ज्यादा आ जाते हैं तो हम लोग बड़ा खुश होते हैं, और जिस वीडियो पे नहीं आते तो हम लोग बड़ा अफसोस हो जाते हैं कि यार इतनी मेहनत करी और कुछ भी नहीं। तो ज्यादा अपने थोड़े से टाइम पीरियड में हमारा थोड़ा सा टाइम जो है हमें देते हैं, ताकि जो है हमें भी जो है ना एक खुशी हो कि हाँ भी हमने काम किया। जी हाँ। तो उसका दरअसल ये जो है ना लाइक कमेंट सब्सक्राइब और कमेंट सजेस्ट, ये हमारे लिए एक एनर्जी लेवल होता है। तो अगर आप हमें एक कमेंट भी कर देते तो हमारा एनर्जी थोड़ा बढ़ जाता है। हाँ यार लोग कमेंट्स कर रहे हैं तो हमें और उनके कमेंट्स को हमें पढ़ते भी हैं और पूरा भी करते हैं, तो हमारी कोशिश होती है कि हम सारे कमेंट्स वक्त से पहले पूरा कर दें। तो इस वक्त तक हम बहुत बोल चुके हैं, तो चलते हैं। डॉक्टर साहब को मुझे इजाजत है, अल्लाह हाफिज़।